पर्यावरण, जिसे बचाना, जिसका संरक्षण करना आज संपूर्ण मानव जाति का दायित्व बन चुका है। इस प्रकृति का संरक्षण करना हम सभी का उत्तरदायित्व है। और जहां तक बात है पर्यावरण की, इसके संरक्षण हेतु सभी को अपना उत्तरदायित्व एहसास दिलाने हेतु हमारी परीक्षाओं ने भी इससे संबंधित प्रश्नों का जो वजन है वो बढ़ा दिया है। आप जानते हैं कि आज यूपीएससी से लेकर सभी परीक्षाओं में पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं, और इसके संरक्षण हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में आपके लिए न केवल एक नागरिक होने के नाते बल्कि एक परीक्षार्थी होने के नाते भी ये जानना जरूरी है कि हमारी भारत सरकार कौन कौन से कानून है जो पर्यावरण के लिए बना रही है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अपूर्वा राजपूत और आप मुझे अन अकेडमी पर ज्योग्राफी के लिए फॉलो कर सकते हैं, जहां आप मेरे रेफरल कोड अपूर्वा आर लाइव के द्वारा मेरे प्लस कोर्सेस में भी जुड़ सकते हैं। और अन अकेडमी पर आपको मेरे अलावा भारत के शीर्ष अध्यापक सभी विषय कवर करवाएंगे, और इसी के साथ आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। चलिए तो अब आते हैं खबर पे। आप सभी ने पिछले कुछ दिनों में, पिछले हफ्तों में ये खबर जरूर पढ़ी होगी, सेंटर रिविजिट 2014 पैनल्स प्रपोजल ऑन न्यू अम्ब्रेला ग्रीन लॉ। देखिए हमारी जो भारत सरकार है ना, ये किस तैयारी में है, हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित जितने भी अधिनियम हैं, उन्हें एक अधिनियम में समाहित करने की तैयारी में। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये मुद्दा कब उठा है। विगत माह हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत से कैबिनेट सेक्रेटरीज के साथ एक मीटिंग की, जहां पर 60-पॉइंट एक्शन प्लान सामने आया, और इसी प्लान के अंतर्गत सामने आया है ये न्यू अम्ब्रेला ग्रीन लॉ का मुद्दा। पर ये मुद्दा कोई नया नहीं है, आज से महीनों पहले भी इस मुद्दे ने सुर्खियां बटोरी थी, और इसकी शुरुआत हुई थी तब जब हमारी सत्ताधारी पार्टी ने सत्ता में आने की शुरुआत की थी, मतलब 2014 में। 2014 में हमारी सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, और ये कमेटी हमारे फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इस कमेटी ने अपनी बहुत सी सिफारिशें दी, इनमें से कुछ सिफारिशों पर पहल करने हेतु ही हमारी सरकार तैयारी में है। तो इस कमेटी ने जो सिफारिशें दी थी उनमें मुख्य था कि हम विभिन्न एनवायरमेंट लॉज को एक लॉ में समाहित कर दें, अलग अलग कानूनों को एक कानून में समाहित कर दें। इन कानूनों में है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। मैं आशा करती हूँ आप इन सभी अधिनियमों के बारे में सब कुछ जानते हैं, और अगर आप इनके प्रावधानों के बारे में नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जरूरी है। मैंने अपनी एनवायरमेंट की जो क्लासेस हैं, जो मैं प्लस पे लेती हूँ, उनमें इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ाया है और आगे भी पढ़ा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो सुब्रमण्यम कमेटी है वो कहती है कि हमें इन सभी 6 कानूनों को एक कानून में समाहित कर देना चाहिए। इसी के साथ हमारी जो न्यू एनवायरमेंट पॉलिसी है, इसका कहना है कि एयर एक्ट 1981, वाटर एक्ट 1974 और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उन्हें हमें एक कानून में समाहित करके इन तीनों कानूनों को एक नए कानून से रिप्लेस कर देना चाहिए। इन्हीं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमें जो एक नया एक्ट बनाना चाहिए वो होगा एल्मा, एनवायरमेंट लॉ मैनेजमेंट एक्ट, और इसी के साथ इसे कार्यान्वित करने के लिए 2 प्राधिकरण बनाने चाहिए, नीमा और सीमा, मतलब नेशनल एनवायरमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट एनवायरमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी। हालांकि सरकार के इस कदम की न केवल सराहना की जा रही है बल्कि आलोचना भी। यहाँ पर विशेषज्ञों का कहना है कि हमें इस वक्त ना तो किसी एक ऐसे समावेशी कानून की आवश्यकता है और ना ही इसे बनाना सही होगा, क्योंकि हमारे पर्यावरण से संबंधित जो भी अधिनियम बनाए जाते हैं उनका उद्देश्य होता है कि पर्यावरण संरक्षण के उल्लंघन को रोका जा सके, और कहीं ना कहीं ऐसा एक अधिनियम बनाकर हम उल्लंघन को रोक नहीं पाएंगे बल्कि हम उन उल्लंघनों को एक ऑथराइजेशन दे देंगे, एक प्राधिकरण दे देंगे कि आपने अगर कोई गलती की है तो आप इस मुद्दे को इस तरीके से सुलझा सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहना है कि हमारा ये जो पर्यावरण शब्द है इसमें ना जाने कितने सारे शब्द समाहित हैं। आप सभी जानते हैं कि जब हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी की बात करते हैं तो हम इसमें जल की बात करते हैं, हम इसमें वायु संरक्षण की बात करते हैं, मृदा संरक्षण की बात करते हैं, ओजोन क्षरण की बात करते हैं, और इसी के साथ जैव विविधता जैसे न जाने कितने मुद्दों की बात करते हैं, और आज इसीलिए इन सब के लिए अलग अलग कानून है। तो ऐसे अलग अलग विषयों से संबंधित क्या एक कानून बनाना सही होगा?
हमारी सरकार तो इस पर बहुत विचार विमर्श कर रही है, आप भी इस पर विचार विमर्श कीजिए और आपके जो विचार हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि ये विषय आपके जीएस पेपर नंबर 3 और प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपके लिए भूगोल और पर्यावरण से संबंधित ऐसे ही मुद्दों पर बहुत छोटी छोटी जो वीडियो है वो प्रदान कर रही हूँ, जिससे आपके प्रीलिम्स के लिए आपको जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने में मदद मिले और मेंस के लिए आपको हर वीडियो से 2-3 पॉइंट्स मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये सारी वीडियोस की जो लिंक है वो मिल जाएगी। इसके अलावा आप अभी मुझे अनअकैडमी पर जाकर फॉलो कर लीजिए, जिससे मेरे सारे प्लस और फ्री कोर्सेज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपसे अगली मुलाकात होगी मेरी ऐसी ही किसी वीडियो में, स्पेशल फ्री क्लास में या फिर प्लस क्लास में। तब तक इस मुद्दे के बारे में सोचिए और कमेंट बॉक्स में मुझे राय जरूर बताइए। थैंक यू।